हम नहीं देंगे जब तक तुम खेलो। कल मुंह दिखाई में तुम बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए नजर के लिए और सिर्फ हम ही नहीं, वो दुर्गा मौसी थी ना, उन्होंने भी कहा था बहुत ही प्यारी बहुरिया है। मनोरंजन का पिटारा है दुर्गा मौसी, है ना? और तुमने देखा जीजी कैसे उनकी नाक टेढ़ी थी। हाँ, और उनकी दाई आंख भी फड़के जा रही थी, है ना? फड़क रही थी ना, यू 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 यू। कल तुम भी बहुत सुंदर लग रही थी। तो फिर हमें भी कांचे लगा दो ना चीची। मैं यहां होती तो पर अम्मा नहीं है ना कुछ, वो घर पे है और बहुत तकलीफ में। तुम जानती हो ना क्यों? लक्ष्मी जी, क्या आपको लगता है कि हमारी चीची हमें कभी माफ कर पाएंगी? क्या हम इसे आपकी हाँ समझे? और वैसे भी हम ज्यादा दिन तक सबकी ना नहीं सुनने वाले, हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक सब हमें माफ ना करते। कम से कम कोई तो है इस घर में जो हमसे बात करता है, इसके लिए शुक्रिया लक्ष्मी जी। अरे मधुमती जी, आपने खुद आने की तकलीफ काहे की? हमारे आकाश बिटवा पायल बिटिया को आपके घर छोड़ा थे। नहीं नहीं नंदकिशोर, पगफेरे की रस्म के लिए मायके से किसी ना किसी को तो बिटिया को लेने आना ही पड़ा था, तो हम सोचे हम ही ले आते हैं जाएगी बिटिया को। हाय बुआ जी, आप नमस्ते। बुआ जी कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, तुम ठीक हो? Yeah, I'm superb. बुआ जी, खुशी जी के मॉम डैड ऑल ओके ना? अंजलि बिटिया नहीं दिखाई दे रही है। वो डॉक्टर के यहाँ गई है। ये अच्छा हुआ मनोरमा, आप शगुन का सामान ले आइए। ये लीजिए। नहीं नहीं, ये सब की का जरूरत रही? हेलो हाय बाय बाय, का जरूरत रही, का जरूरत रही? ये फॉर्मल टॉक अब आप बंद कर दीजिए। अरे जरूरत तो थी ही ना, तभी तो आप लोग अपन दोनों डॉटर्स के राजनाथ परिवार में बिहाई दिए, ताकि राजनाथ परिवार का पूरा माल इस लोली गुप्ता परिवार के झोपड़े में एडजस्ट हो जाए। इलियो मासी जी, ये एक्सचेंज भी तो आपकी फेवर में हो रहा है ना? ये गिफ्ट्स, ये प्रेजेंट्स, पायल भाभी या खुशी जी से बढ़कर तो नहीं है ना?
इनके एक बात हमरी समझ में नहीं आवत है, तुम हमरे भांजे हो या ये बुआ जी के? मनोरमा जी, हम सच कह रहे हैं, ये सब हम नहीं ले जा सकते हैं। हमरी पहलिया ये घर में बहुत खुश है, इसे बढ़ के और हमरे लिए का हो सकत है? बुआ जी, ये एक बस सैंपल जो आप छोड़ के जा रही हैं, ओ काका, चलो पहलिया, पग रसम के लिए देर हो रही है, चलो। बुआ जी, हम बस 2 मिनट में आए। अरे लक्ष्मी जी, हम आपसे ही मिलना चाहते थे। हम पगफेरे के रस्म के लिए घर जा रहे हैं। हम जानते हैं आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन हम अम्मा बाबूजी और बुआ जी को मना लेंगे। हमारे मनाने से वो मान जाएंगे ना? आप बहुत अच्छी है लक्ष्मी जी, आप तो हमारी हर बात पे हाँ कहती है। जियत रहो बबुआ, जियत रहो। नमस्ते। सासू माँ, सगुन का गिफ्ट पाइक नंबर 2 भी लेकर आए का? अब फटी हमरा मतलब है खुशी बिटिया के लिए, उका भी तो पग फेरा है ना? पहलिया, अब हमें चलना चाहिए बिटिया, चलो। बुआ जी, अब खुशी जी बस आती ही होंगी। यस यस बुआ जी, मैं अभी जाकर खुशी जी को बुला के लाता हूँ। नहीं बबुआ, उसे कुछ भी कहे की जरूरत नहीं है। मधुमती जी, हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं। जो हुआ उससे हम सबके दिल पे चोट पहुंची है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी हमने हालात से समझौता कर लिया है। घर की खुशी के खातिर हम हर रसम पूरी किए। आपसे विनती है कि आप भी रसम निभाइए। ये आपके बड़प्पन की निशानी है, आपका दिल बहुत बड़ा है, जो आपको की गलती माफ करके उका अपनाए लिया हो। लेकिन वो जोन कुछ हमरे साथ की है, जिसकी वजह से हम किसी के सामने नजरे नहीं, अब वो हमरे परिवार का हिस्सा नहीं है। अरे वाह, पट से पल्ला झाड़ दी इतना इजीली। अपन फैमिली का पार्ट निकाल के हमरी फैमिली में चिपकाए दी, काहे नंद की सोर? चल बिटिया।
भतीजी रेडी? लेकिन बुआ जी नॉट रेडी। तुम्हारी बुआ जी आई? हेलो हाय किहिन। अखून भरी टांग के पिकअप करके अब बाय बाय बोल के चली गई। बुआ जी बिना बताए हमें छोड़ के ऐसे ही चली गई। ऐसा ही नहीं, तुम्हारा कपड़ा भी तो पटक के गई है। I mean, गटरी और फटी सारी चीज।